सलाम आदाब और नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ इन कंट्री 2.0 में। आज मैं हूँ कोनकटी चौराहे पर, जहाँ से जो है ये आप देख पा रहे होंगे ये मुर्गी फार्म है, जहाँ पे जो है अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया। और यही वो जगह है जहाँ से जो है इन लोगों ने चोरी के इल्ज़ाम में विजय नाम के बच्चे को उसके साथ राक्षसी व्यवहार किया और इन अपराधियों को पुलिस ने विभिन्न धाराओं में नामजद करते हुए भेज दिया है। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे उस पीड़ित परिवार के घर से। तो यहाँ पे कोई नहीं है अभी इस वक्त। ये मैं अभी इस वक्त जो है झाराओं में आ चुका हूँ और ये उस पीड़ित बच्चे का आवास घर है, जिसके ऊपर जो है चोरी और इसका इल्ज़ाम लगा करके लोगों ने पनिशमेंट दिया था, सज़ा दिया था। और आप देख सकते हैं घर के लोग जो है कहीं बाहर हैं। ये बच्चे का जो है छोटा भाई है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अच्छा, पढ़ते हो आप? अच्छा, कैसे हाथ टूट गया? अच्छा, और तुम्हारा भाई जो है वो भी पढ़ता उड़ता है? अच्छा, तो कैसे उन लोगों ने उसको पकड़ करके कहा कि मुर्गी चोरी कर रहे थे, पैसा चुराए हैं? वो कह रहा था नहीं चुराए हैं। और इन लोगों ने जो है उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगा करके और उसको मारा पीटा। तुम्हारा बड़ा भाई है? अच्छा, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है बाबू? मम्मी पापा पंजाब हैं? अच्छा, अम्मा सिर्फ हैं वो थाने पे गई हैं। अच्छा, और भाई बहन? और तुम्हारे भाई बहन? अच्छा अच्छा, तुम अकेले घर देख रहे हो? चलो ठीक है। तुम्हारे पापा का क्या नाम है? इधर आओ बेटा। पापा का क्या नाम है आपके? फैजर राम। कितने भाई बहन हो आप लोग? दो बहन तीन भाई। दो बहन तीन भाई। और वो भाई सबसे बड़ा था तुम्हारा? नहीं। हाँ, वो मझिल का है। अच्छा, बड़ा भाई भी पंजाबी है। अच्छा, तो पैसा वैसा भेजते हैं वो लोग? अच्छा, चलो ठीक है। तो तुम्हारा भाई अभी कहाँ है? कहाँ? अच्छा, थाने पे गए हैं। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है? संजय। और तुम्हारे भाई का क्या नाम है? विजय, जिसको मारे वारे हैं लोग। अच्छा अच्छा, तो तुम क्या चाहते हो कि जो तुम्हारे भाई को मारे पीटे हैं उनके साथ क्या हो? उनको भी सजा मिले? हाँ, सजा मिलना चाहिए ना। ठीक है ठीक है। रतिक दूजे निकाल ले क्या यहाँ पे? नहीं। हाँ, अच्छा, तो रिपोर्टर थे वो, पूछने आए थे आपसे? हाँ, 5,000 दिलाएंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपके जो है भाई के स्वास्थ्य के लिए हम सारे लोग जो है प्रार्थना करेंगे और जो भी हो सकेगा हम लोग भी जो है ना फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। ठीक है। हाँ।